समक्ष ग्राउंड फोर्स में यूज किए जाने वाले स्मॉल आर्म्स असॉल्ट वेपन्स है। सबसे पहले मैं आपको टैगोर फैमिली से अवगत कराऊंगा। टैगोर फैमिली में पहला वेपन है टार 21, जो कि ग्राउंड स्पेशल फोर्सेस का सबसे प्राइमरी वेपन है। ये एक 5.56 वेपन है जिसमें मैप्रोमॉर्फ रिफ्लेक्स साइट यूज होती है। ये नाइट कैपेबल है और ये दोनों हाथों से और इसका सिंगल आर्म से भी मैं यूज कर सकता हूं। इसी फैमिली में दूसरा वर्जन है सीटार, इसका छोटा बैरल होता है। ये कॉम्पैक्ट वर्जन है टैगोर का, जो कि सीक्यूबी में, जो कि क्लोज क्वार्टर बैटल होता है उसमें यूज किया जाता है। इसकी हैंडलिंग कुछ इस प्रकार होती है। टैगोर फैमिली का तीसरा वेपन है जीटार, इसका पूरा नाम है ग्रेनेड टैगोर असॉल्ट राइफल। इसका बेसिक वेपन टैगोर असॉल्ट राइफल ही है, जिसमें एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर दिया गया है UBGL, जो कि ग्रेनेड को लॉब करने के लिए, इनडायरेक्ट फायर करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक एरिया वेपन का काम भी करता है और हमेशा एक ट्रैक, जो कि एक चार ग्रुड्स की टुकड़ी होती है, उसके सबसे प्रथम बंदे के पास ये वेपन होता है। इसके बाद हम टैगोर फैमिली का लास्ट वेपन S-Star पे आएंगे, जो कि सेमी स्नाइपर टैगोर असॉल्ट राइफल है। ये भी एक टैगोर की तरह है, लेकिन इसमें बाइपॉड दिए गए हैं, जो कि किसी भी जगह पर माउंट करने के बाद इसकी रेंज को इन्हांस करते हैं, और ये रेंज इस निमरोड 6X साइट की मदद से एक्स्ट्रा हो जाती है और रेंज इसकी 600 मीटर हो जाती है। इसमें भी जो एम्यूनिशन यूज होता है वो 5.56x45 नाटो राउंड होता है। आफ्टर 5.56 टैगोर असॉल्ट राइफल वील कम टू 7.62 वर्जन ऑफ द वेपन प्रेजेंट विद ग्राउंड फोर्स। वी हैव गॉट AK-47, दिस इज अर्स्टवाइल AK-47, जिसकी मेनली बॉडी आयरन फ्रेम की और वुड की थी, जिसको हमने मॉडिफाई करवाकर इसमें हमने फोर हैंड ग्रिप, फाइबर बट एंड पिकाटिनी रेल को इसमें इम्प्रोवाइज कराया है। अब ये वेपन पहले की तरह ही लीथल लेकिन ज्यादा एर्गोनॉमिक हो गया है, जिसमें हम टैक टॉर्च, बेनेट, इन सब चीजों की मदद ले सकते हैं और इसको लंबे समय तक यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये गर्म नहीं होगा फाइबर पार्ट्स होने के कारण। ये 7.62 वर्जन है और ये 400 मीटर किल रेंज इफेक्टिवली हमको देता है। पोजीशन सर, इसमें हम लोग एक रिफ्लेक्स साइट को भी माउंट कर सकते हैं। ये न्यूली इंडक्टेड सिक वेपन है 6716i, जो कि यूएसए, मेड इन यूएसए है। इसमें 7.62x51mm का एम्यूनिशन यूज किया जाता है। ये काफी अच्छा लीथल वेपन है, जिसमें हम लोग लॉन्गर रेंजेस अप टू 600 मीटर इफेक्टिवली एंगेज कर सकते हैं। ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड वेपन है, जिसमें आयरन साइट है और हम इसको इस प्रकार से एम करते हुए यूज कर सकते हैं। एम सर, होल्ड सर, ऐसे घूम जाएंगे वो एम्स को लेके? हाँ, ग्राउंड फोर्स की LMG 5.56 नेगेटिव LMG है। यह वेपन ग्राउंड फोर्स का सबसे खूबसूरत वेपन है, जो कि हमारे ब्रेव अशोक चक्र वॉरियर पोस्टमस कॉपल अशोक निराला ने यूज किया था, जिसकी मदद से उन्होंने वैली में कई सारे टेररिस्ट को मौत की घाट उतारा था। इसमें हम लोग एक ड्रम का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक बार में 150 राउंड तक की बेल्ट यूज की जाती है। ये काफी रगेट वेपन है, जिसमें कोई भी स्टॉपेज की दिक्कत नहीं होती है और कोई भी समस्या इस प्रकार से नहीं है। ये बहुत ही इफेक्टिव वेपन है और इसमें हम लोग लगभग 800 मीटर तक की दूरी को इंगेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इन लाइन इज रिसेंटली प्रोक्योर्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड वेपन, मेड इन रशिया AK-103।
AK-103 मेड इन रशिया है और इसका इम्प्रूव वर्जन इंडिया में बनने वाला है जो कि AK-203 मॉडल के नाम से जाना जाएगा। इस वेपन में आयरन साइट है जिसकी मदद से हम लोग 400 मीटर की रेंज तक इफेक्टिवली इंगेज कर सकते हैं। इसका एम्यूनिशन 7.62x39mm है। इसकी हैंडलिंग कुछ इस प्रकार है। इसको भी मूव कर सकते कैमरा। होल्ड। ये गरुड़ फोर्स में यूज की जाने वाली स्नाइपर गली स्नाइपर है जिसमें हम लोग निम्रोड 10x टेलीस्कोपिक साइट का प्रयोग करते हैं और इसमें साइलेंसर भी यूज किया जा सकता है। ये भी 7.62x51 एम्यूनिशन इसका यूज होता है कॉन्फ़िगरेशन का और इसकी इफेक्टिव रेंज डे में अप टू 1 किलोमीटर है।